तो हम लोग डॉक्टर हुसैन वकील जी का वेलकम करते हैं। ये फर्स्ट HSS कोर्स में थे, तो वहाँ पे सिर्फ हमें नॉलेज, रूब्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग, मेथड्स के सिवा केस कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्कशंस करनी है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो ये सारी तैयारी पहले होती है, फिर बाद में प्रेजेंटेशंस के लिए आते हैं। तो आज का केस थोड़ी और नॉलेज, थोड़ी स्किल्स और थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग लाएगा, जिससे आप लोगों में से जो भी लोग अंडरस्टैंड करें मच बेटर है, और बेसिक कोर्सेज का अगर यूज करेंगे तो मच बेटर है। तो वी वेलकम डॉक्टर हुसैन वकील टू प्रेजेंट हिज केस। वेलकम सर। थैंक यू विष्णु। डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल द मेंटर्स जिन्होंने बेसिक कोर्स में मुझे सिखाया और यहाँ तक ले आए। एक पॉली फार्मेसी करने वाले बंदे को सिंगल रेमेडी तक ले आए। दिस इज समथिंग विच इज वेरी ग्रेट फॉर मी। टुडे माय फर्स्ट डे एज अ प्रेजेंटर। या लेट्स सी, हम केस तो सर ने HSH में डाला था। 33 ईयर ओल्ड लेडी, ये आई थी अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड की एज थी 36। 10 साल हो गए, बच्चा नहीं था। किसी ने रेफर किया था, पुराने पेशेंट थे, उन्होंने कहा था कि जाओ, चले आए। बहुत सारी ट्रीटमेंट ली लेकिन था नहीं, क्योंकि एक पास हिस्ट्री थी कि उनको लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट था, जिनका उन्होंने 4 साल पहले सर्जरी कराई थी। ठीक है, बाद में मेंसिस का कुछ प्रॉब्लम था जिसके लिए वो एलोपैथी ले रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो फिर मेडिसिन बंद कर दी। उसके बाद जब पता चला तो चला आया टेबल पे, तो मैंने पूछा कि क्या है क्या नहीं, तो सब बात हुई। मेडिसिन देके मैंने भेज दिया। ये मैं जो डेट देखता हूँ, मैंने देखा है कि जब जो शीट मैंने ओपन की है मेरे केस की, तो वो लोग मेरे पास कुछ 3-4 महीना रहे मेडिसिन के साथ, और प्रेगनेंसी नहीं रही। फिर एक दिन फोन आया कि डॉक्टर प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव दिखा रहा है। ओके गुड, जैसे हमारा रूटीन रहता है कि एक काम करो, आप अच्छी गायनेक भी साथ में देख लो एंड विल मूव फॉरवर्ड। फाइन, ओके। उन्होंने गायनेक की ली, और फिर 2 दिन बाद फिर फोन आया मुझे कि डॉक्टर ये तो ब्लीडिंग चालू हो गई। अब वो रात थी, तो मैंने कहा कि एक काम करो, मेडिसिन मैं बना देता हूँ आपके लिए, आप ले जाओ। जो मेडिसिन हमारी रूटीन रहती है, जैसे सबाइना, थूजा, जो भी था स्टेट, उनको मैंने सबाइना और थूजा वगैरह दे दी, जो मैं जनरली यूज करता हूँ कि जब मिसकैरेज होने वाला होता है तो दे देता हूँ। तो मैंने उनको दे दी वो, लेकिन मिसकैरेज रुका नहीं है। वो जो हिसाब से थे तो बोले ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। तो नेक्स्ट डे वो गायनेक के पास चले गए। गायनेक ने टेस्ट कराया तो पता चला कि ये तो प्रेगनेंसी फॉल्स है। फाइन, बोले अब तो, बोले उन्होंने यूएसजी कराया। यूएसजी कराया तो पता चला पुराना सिस्ट है अभी भी, साइज बड़ी हुई है। अब यहाँ से वो थोड़े हिले, जब गायनेक से मिले ना वो, तो फिर गायनेक ने कहा कि आपके पास सिर्फ 3 महीना है। अगर 3 महीनों में आपका अगर ये प्रेगनेंसी रह जाती है, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द प्रेगनेंसी, सिस्ट को बाद में देखेंगे, विल गो फॉर इट सिस्ट के बाद में आप देखेंगे, सोचेंगे सिस्ट के लिए क्या करना है। ये गायनेक का सजेशन था। फाइन, वो उसी रात को आ गए, 9:30 बजे के आसपास थे, तो चले आए क्लिनिक, हस्बैंड और वो दोनों। बोले डॉक्टर साहब, गायनेक ने तो सर्जरी बोल दी। बोले गायनेक ने बोला क्या आपको? तो गायनेक ने बोले ये कहा कि अगर 3 महीने में वेट कर लो, अगर नहीं रहता है तो फिर हम सर्जरी में जाएंगे कन्फर्म। मैंने बोला कि आप क्या सोच रहे हो, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आप क्या सोच रहे हो? अरे बोले मैं तो जाऊंगी इतनी डॉक्टर साहब। अरे मैं जाऊंगी नहीं मतलब? अरे मैं कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने वाली, वो सर्जरी तो मैं कराऊंगी नहीं। अरे क्यों? अरे बोले डॉक्टर साहब, सर्जरी वो पहले हो चुकी है मेरे साथ। बोला क्या हुआ सर्जरी में ऐसा? अरे बोले वो फिर टेस्ट कराएंगे, फिर वो एडमिट करेंगे, फिर वो सर्जरी करेंगे, फिर वो पोस्ट सर्जरी। अरे डॉक्टर साहब, मेरे को तो जाने का ही नहीं। अब वो टेबल से हिले नहीं है। बोले मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। अरे बाप रे, अब ये तो बैठ गए यहाँ पे आके। बोला हाँ चलो, ढूंढते हैं आपके लिए कोई दवा, आपकी होम्योपैथी में दवा है ना? अरे बोला दवा तो है। अरे नहीं नहीं हो जाएगा, आप ढूंढो ढूंढो, बैठो ढूंढो। बोला ठीक है, ढूंढता हूँ आपके लिए। फाइन, मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, ढूंढता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने पूछा फिर ये स्टेट को जरा समझाओ ना, ये जो हुआ पूरा आपके साथ, जो आप गायनेक के पास गए,
आपने जो पूरा हुआ है जरा वो समझाओ ना, क्या लगा आपको उसके बारे में, क्या सोच रहे हो आप? उन्होंने मुझे कहा, अरे डॉक्टर साहब ये तो बच्चे जो आते हैं ना वो हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज हो गया मेरे लिए। अरे मैं बोले, हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज? अरे बोले डॉक्टर साहब, वो तो मैं हैप्पी हैप्पी गई डॉक्टर गायनेक के पास कि गायनेक बोलेगी कि अभी ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी की और ये है, और ये तो सरप्राइज में कुछ और ही खुल गया मेरा। अब वो 3 से 4 बार उसने सरप्राइज बोला मुझे। बोला यार पेशेंट सरप्राइज क्यों बोल रहा है? बोला सरप्राइज मतलब क्या? अरे बोले डॉक्टर साहब देखो ना हालात कैसे है, कैसे वो बच्चा रहता है जिसका बर्थडे होता है। बोला बर्थडे होता है तो हाँ भाई बर्थडे होता है, हाँ बोलो तो आगे तो बोलो। अब उसको मालूम रहता है कि गिफ्ट खुलेगा उसमें से कुछ निकलेगा अच्छा टॉय, जैसे मेरे को पता था कि वो प्रेगनेंसी रहेगी, प्रेगनेंसी रह चुकी है तो अभी डिलीवरी होगी, मैं गहने के पास चली गई, वो डब्बा खुला तो उसमें से निकला नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ साथ ये चला आया। बोले ये तो वैसे ही हुआ ना कि वो बच्चे को आपने दे दिए उसमें से निकला वो पेपर के, आपको 100 बार वो वापस लिखना पड़ेगा, अरे रीटेस्ट लिखनी पड़ेंगे, वैसा निकल आया मेरे लिए। और चेहरा एकदम उतरा हुआ था, मीन्स ही वो स्पीकिंग इट आउट। बोला हाँ फाइन ठीक है। तो सरप्राइज को एक्सप्लोर करता करता मैंने ऐसे ही सरप्राइज को ऐसे ही रेपर्टरी में डाला, यार ये सरप्राइज बोल रही है ना, लेट सी आई कुड फाइंड रेमेडी फ्रॉम इट। और बाकी सारा स्टेज जो था ना उसके साथ में जोड़ के फिर मैंने उसको एक मेडिसिन बना के दिया। मैं बोला देखो थ्राइस वीकली ये ले लो, बाद में जो एसएल अपनी थी वो दे दिया, और मैंने बोला लेट सी। और फिर उसने मुझे एक हफ्ते के बाद फोन किया और मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ब्लीडिंग तो कम है अभी, एंड लेट सी 2 महीना हुआ, 1.5 से 2 महीना हुआ। और फिर हस्बैंड का फोन आया एक दिन कि डॉक्टर साहब शी इज प्रेग्नेंट। अब इस बार मैं मान नहीं रहा था तो मैंने बोला भाई वो ऐसा मत करो, किट में आपका सही आता नहीं है, आप टेस्ट करो। अरे बोले डॉक्टर साहब मैंने यूरिन टेस्ट कराया हूँ, मैं गायने के पास जाके आया हूँ। बोला गायने क्या बोली, जरा पेपर भेजो मेरे को। तो बोले गायने बोली प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव, फाइन विल रन ओके। अच्छा हस्बैंड की मेडिसिन मेरी उसके 15 दिन पहले ही क्लिक हुई थी, ठीक है ये जो इंसिडेंट हुआ उसके 15 से 20 दिन पहले ही क्लिक हो चुकी थी, तो मुझे पता था ये क्या करेगा इसके बाद। उसने उसके बाद वो केस वापस मेरे पास आए नहीं, वो सिर्फ गायने के पास ही रहे, और आज भी वो गायने के पास ही है, एक्सपेक्टेड है विद इन फ्यू मंथ्स शी विल डिलीवर अ चाइल्ड। तो ये रहा पूरा वो जर्नी की जो मैंने उनके साथ वो 9:30 से 12 का पूरा वो मैटनी शो था मेरा, जो 2.5-3 घंटा उनके साथ मेरा चला, एंड आई वॉज इन टू इट। तो मैं भी सुकून से सुन रहा हूँ, मैं अभी भी मेरे नोट्स जो यहाँ मैंने लिखे है ना वो वर्डिंग्स पढ़ता हूँ ना कभी कभी, तो वो सारी चीजें जो उन्होंने बताई है वो उस नोट्स में मैंने लिखा था, एंड दिस इज हाउ आई वर्क टूवर्ड इट। सो आप लोग उसका एनालिसिस कहेंगे मेरे सर, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह सर, मुझको लग रहा है सर। इसमें एक तो सर पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, ये तो पॉजिटिवनेस रूब्रिक ली जा सकती है। और दूसरा सर वो फियर ऑडियंस में है कि उसको बिल्कुल जो है पहले से वो सर्जरी हो चुकी है, झेल चुकी है और उसमें सारा प्रोसीजर उसको सारा पता है, उसको जाना नहीं। तो सर मैं केस पहले नहीं पढ़ पाया था, लेकिन सर केस मैंने अभी देखा तो मुझको आर्सेनिक आई सर दोनों को उपलब्ध करने के बाद। हाँ ऑपरेशन तो नहीं करना है मुझे, जो कुछ करना है तो आप ही करो सर, क्योंकि मुझे आपसे अपेक्षा है ऐसा उसका है। तो वो क्लिंगिंग लगी मुझे, कैरियड डेलुजन कैरियड और शोल्डर ऐसा भी लगा, और उसको ऑपरेशन का डर है क्योंकि वो उस प्रोसीजर से गुजरी है, तो फियर ऑर्डियल भी लगा। और अभी थोड़ा सा सुना आपका तो ऐसा लग रहा है कि उसको अनप्लीजेंट सरप्राइज मिला वहां पे, तो ये सबको लेके मैं पहले स्ट्रामोनियम था लेकिन अभी तो मैं जलसेमियम बोलूंगा, ये जलसेमियम है अभी। ऐसा था कि जो उन्होंने पहली बार कहा कि मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं आप ही ढूंढोगे, वो क्लिंगिंग ही था, क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर बराबर है। सेकेंड चीज जो अभी सर ने बताया इट वाज वेरी गुड के एलिमेंट्स फ्रॉम सरप्राइज अनप्लेजेंट, ये रूब्रिक है जो फाटक सर का है और उसमें रेमेडी है, अकेली रेमेडी है वो। और तीसरा अगर मैंने जो अगर रूब्रिक लिया था वो उसके जो स्टेट जो था उसमें मैंने टॉर्पोर एक लिया था बिकॉज की कमजोरी थी उसको, जो मैंने लिखा नहीं हूँ क्योंकि कमजोरी थी, ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी तो थकान थी कमजोरी थी, मैं थक गई हूँ डॉक्टर साहब, उसमें मैंने एक टॉर्पोर लिया था। और रेमेडी मेरी जलसीमियम थी, मैंने 6C दिया था थ्राइस वीकली, चलती रही मेडिसिन, मैंने चेंज नहीं किया ना, मैं 30 पर गया था, 60 से ही मेडिसिन से ही वो कंसीव भी कर गई,
और उसके बाद से मैंने आज उसको अभी तक दूसरी मेडिसिन कभी दिया नहीं, सिक्सी ही रही और हर प्रेगनेंसी इज गोइंग वेरी स्मूथ। हस्बैंड है अभी भी मेरे पास, वो अपनी मेडिसिन लेता है, मैं पूछते रहता हूँ, वो बोले नहीं डॉक्टर साहब शी इज वेरी फाइन, शी इज डूइंग वेरी फाइन, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल, जरूरत लगेगी तो आपके पास आएंगे। ये क्लासिकल हस्बैंड की मेडिसिन का ही सिम्टम था जो उन्होंने कहा मुझे। सो बोथ द केसेस वर राइट। हस्बैंड हायोसाइमस है क्या सर? हाँ एग्जैक्टली हायोसाइमस था वो। जरूरत लगेगी तो आएगा ना, तो फिर ठीक है। और जैसीमियम का एक और एक चीज जो ये पॉइंट पे मुझे समझ में आई थी वो ये थी कि लाइट डिजायर पॉजिटिविटी, तो उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी रह गई तो मेरी जो मेरे तरफ से जो उसको लाइट मिल रही थी वो उतनी नहीं थी। अब उसको जहां क्लेम करना था वो थी गायनेक, कि जिसके पास उसको ज्यादा पॉजिटिविटी की लाइट दिख रही थी अभी, कि हाँ अभी वही मेरा सब कुछ करेगी क्योंकि डिलीवरी उसने ही करानी है, मैंने नहीं करानी है, तो वो वहां क्लेम कर गई। जी ये रूब्रिक मैं बोलना भूल गया सर, ये रूब्रिक मैं बोलना भूल गया था, लेकिन क्योंकि वो इस केस में भी अच्छे तरह से होगा ना सर आपसे, ये होगा ना तो उसको आपसे पॉजिटिव ही आंसर चाहती थी। हाँ पॉजिटिव रूब्रिक बोला ना, हाँ वो भूल गया मैं, हाँ, पॉजिटिव उसको लाइट पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव ही चाहिए था वो, मैं तो दूसरा सुनूंगी ही नहीं आपसे जी। अरे वो बैठ ही गई थी सब कुछ कि मैं तो दवा सही लेके ही जाऊंगी, मैं जाने वाली नहीं हूँ। सर रेमेडी डिस्क्लोज हो गया क्या? मैंने लेट जॉइन किया है। हाँ डिस्क्लोज हो गया। ओके क्या है नेम ऑफ द मेडिसिन? जलसी मैम थी। अच्छा थैंक यू, मतलब फील राइट वेलकम राइट था, जो सिंपल केस था, सिंपल तरीका था एंड सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बेसिक कोर्स में सीखा था सर से, सारे गुरु गुरुमाओं से सारे ही मैंने यही सीखा था, गो विद अ सिंपल अप्रोच, पेशेंट को सुनो, पेशेंट को समझो, टाइम दो, पेशेंटली सुनो, आपको मेडिसिन वहीं से पेशेंट खुद निकाल के दे देगा, खाली उसको सुनो पेशेंटली आप। सिंपल था केस जेलसीनियम का था जिसे हम सिंपल कह रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन थी वो क्रिटिकल थी, कंडीशन क्रिटिकल थी बेसक, और हमें होम्योपैथी में डिसीज कोई भी हो, केस क्रिटिकल हो या सिंपल हो, हमें पेशेंट को क्योर करना है। क्रिटिकल डिसीज, क्रिटिकल कंडीशन, वो सारी चीजें माइंड में नहीं रखनी है, पूरा कागज बन के बैठना है। और जो सर ने किया कि जो बार बार पेशेंट बोल रहा है वो हमारा की पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द केस है, उसको नहीं छोड़ना है, तो सर ने वही किया और हिट हुई रेमेडी। जी सर, सर आप लोग से ही सीखा है। अरे सर नहीं, सब हम लोग तो माध्यम है सर। नहीं सर, मेहनत आप लोगों ने की है, गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। अरे नहीं, कभी नहीं, स्टूडेंट स्टूडेंट कभी ऊपर नहीं जाता। थैंक यू थैंक यू। हेलो हाँ मैडम जी। हाँ सर मुझे एक क्वेरी है। बोलिए सर, वो पोटेंसी सिलेक्शन का थोड़ा बता देंगे कैसे आपने सेलेक्ट किया? मतलब 60 से जनरली स्टार्ट होता है केस, इनफर्टिलिटी के केसेस में मैंने गुरुओं से सीखा है कि 60 से स्टार्ट करो, मेजॉरिटी केसेस 60 से ही कवर हो जाते हैं। तो मतलब इनफर्टिलिटी के केस कोई सिस्ट वगैरह तो का होती है एंड ऑल? मैंने तो, क्योंकि मेरा इनफर्टिलिटी का ही था ना, वहां पेशेंट ने मुझसे मांगा नहीं था कि मेरा सिस्ट अच्छा कर दो, उसने मुझे कहा था कि मेरे को बाईपास करवा के दे दो, मेरे को प्रेगनेंसी ले आओ ताकि मेरा सर्जरी बच जाए, उसका उसका वांट वही था वहां पे, उसने मुझे सिस्ट नहीं बोला, उसने मुझे सिस्ट वाले बोले डॉक्टर साहब वो मसला नहीं, उसको मत सोचो, आप खाली प्रेगनेंसी लाओ, सर्जरी बचाओ, मेरे को बाईपास करवा दो यहाँ से। ओके सर थैंक यू। हाँ जी वेलकम सर, मेरी एक क्वेरी है। जी बोलिए। फियर ऑडियल लेंगे या फियर ऑफ सफरिंग लेंगे? फियर ऑडियल वो यातना थी उसकी जो वो पहले गुजर चुकी थी, उसने बराबर बताया था 4 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के पहले मेरा ये हुआ था, अपने टेस्टिंग हुई, फिर मैं सर्जरी के टेबल पे गई, फिर उससे पूरी सर्जरी, क्योंकि अभी मैं केस में पूरा लिख नहीं सकता कि उसने सारा एक्सप्लेनेशन मुझे क्या दिया था, 9:30 से 12 के बीच में उसने पूरी सर्जरी मुझे सुना दी थी, एक एक दिन शायद मुझे सुनाया था उसने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो वो पूरी यातनाएं उसने मेरे साथ रिलीव की थी उस दिन, बोले डॉक्टर साहब मैं इसमें वापस नहीं जाना चाहती हूँ। सफरिंग होती तो वो उतना मुझे नहीं सुनाती जितना मैंने समझा है, सर सामने है वो करेक्ट कर सकते हैं मुझे उस चीज के लिए, बट पूरा सफरिंग तो मुझे उतनी, या पूरी जर्नी मुझे लेकर चली गई वो,
कि जो उसने 4 साल पहले सफर किया, पूरा वो कहते ना ऑडियल सफर किया था उससे। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए सर। एक डाउट था सर, ऐसा ही एक रूब्रिक है ना, कैरी डिजायर टू बी कैरीड सर, इसको हमने भी दिया था, बाकी कई लोगों ने कंसीडर भी किया था कि वो जो ये डिस्कम्फर्ट स्टेट है वो स्टेट से चाह रहे थे आप इसको कैरी करो, तो इसको मैं ले सकता हूँ, मना नहीं। मैं हाँ, मैं कैरीड ले सकता हूँ कि आप मुझे कैरी कर दो, ठीक है, लेकिन वो सुपरफिशियल नहीं हो जाता बहुत? कैरी कर दो तो हर एक पेशेंट आके कहेगा मुझे अच्छा कर दो। पेशेंट वहां रुका नहीं, मेरा पेशेंट आगे लेके चला गया मुझे, तो फिर मैं भी पेशेंट के साथ आगे चला गया। अच्छा कर दो, कुछ काम है, ये है, वो है, कहीं ले जाता तो मैं कैरी ले भी लेता, वो तो और डेप्थ में लेके चला गया पूरा। ओके सर जी, पेशेंट सामने होता है तो एग्जैक्टली फील आता है। हाँ, वो फील आएगा, वो कन्फर्म, वो ऑर्डील का फील आता है, वो कहते हैं ना सरप्राइज। अब सरप्राइज में आज भी मुझे वो सरप्राइज याद है। तो मैं भी उस दिन वही किया कि मैंने भी उसके सरप्राइज को ही एक्सप्लोर किया। भाई तू सरप्राइज क्यों बोल रही है, तेरा सरप्राइज में क्या छुपा हुआ है ऐसा? तो जब उसने एग्जाम्पल देके उसने एक्सप्लोर करवाया तो मुझे भी सरप्राइज मिला, जलसी में पड़ी हुई है, मैंने कहा पड़ी थी वो। सिंगल रूब्रिक बताइए। वो था एलिमेंट्स फ्रॉम अनप्लेजेंट सरप्राइजेस अनप्लेजेंट, उसमें जलसीमियम है, और अगर फाटक सर में वो आपको सिंथेसिस में मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पे सरप्राइज डालोगे, यहाँ पे फाटक सर का अगर मैं वो जोमियो सॉफ्टवेयर में देखता हूँ तो सरप्राइज एग्रेवेशन में खाली आ जाता है। ये देखिए सरप्राइज एग्रेवेशन जलसीमियम, मुझे हमेशा अभी भी मैंने वो ग्रुप पे डाला है कि जलसीमियम के साथ हमेशा स्ट्रैमोनियम बहुत नजदीक नजदीक लगता है फील वाइज। हाँ, पेशेंट बोलता है वो उसका जो फियर रहता है, तो उसका जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज। जलसीमियम का अपना एक खुद का है ना पूरा, आपको वो टॉर्पोर ले जाएगा, आपको वो हर एक चीज ले जाएगा जलसीमियम में। हाँ सर, जलसीमियम और स्ट्रैमोनियम में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जलसीमियम थोड़ा सा टच, थोड़ा सा फिंगर से भी पकड़ेगा आपको तो कैरी करके जा सकता है, लेकिन स्ट्रैमोनियम आपको ऐसा जकड़ेगा कि जैसे आप मतलब दूसरे वाला आदमी डूबने की कंडीशन में हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन में स्ट्रैमोनियम इतने ज्यादा स्ट्रांगली क्लिंग करता है, बट जलसीमियम नहीं। जलसीमियम को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो इट कैन कैरी फॉरवर्ड, स्ट्रैमोनियम नहीं करेगा। एक डिफरेंस और होगा कि जलसीमियम को है ना डिस्टर्ब अवर्जन बहुत होता है क्योंकि उसका दिमाग हिलना नहीं चाहिए ना, और स्ट्रैमोनियम तो खुद ही हिला हुआ होता है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और वो तो स्ट्रैमोनियम खुद भी हिला होता है, दूसरे को भी हिलाता है। अच्छा, थैंक यू ऑडियंस में आपका नहीं आता है ना जलसीमियम, अपने स्ट्रैमोनियम ऑडियंस में नहीं है। इधर जैसे आपने सरप्राइज बताया तो सरप्राइज और एस्टोनिश में थोड़ा डीडी होना चाहिए। स्ट्रैमोनियम जब आपके पास शुरू में आएगा तो वो अपने आप को शो करेगा, जैसे कोई विशेष बात है नहीं सर, बस वो तो थोड़ा सा ऐसा था तब मैं डर गया, ये होगा स्ट्रैमोनियम का। और फिर जैसे ही उस स्ट्रैमोनियम को आपके ऊपर यकीन आया तो फिर वो आपको पकड़ देगा, सर अब मैं कहीं नहीं जा रहा, आप जानो आपको जो लगे करो, आपको जैसा लगे ट्रीटमेंट करो, मैं कहीं आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, कैरी डिजायर ऑन शोल्डर, फिर वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा। तो स्ट्रैमोनियम ये होता है, अंदर से डरा हुआ रहेगा लेकिन शो नहीं करेगा, जब आपके ऊपर फेथ आ जाएगा उसको फिर वो आपको क्लिंग करेगा कि सर अब मैं नहीं जा रहा, आप ही बचा लो, आप ही मेरे ट्रीटमेंट कर दो। और जलसीमियम सरप्राइज मिलेगा तो हम कैसा कहेंगे, अनप्लेजेंट सरप्राइज हो या प्लेजेंट नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है ना जलसीमियम में, ये मेन रीजन रहेगा, उसी से हिलता है वो सर। जलसीमियम की जो क्लिंगिंग है मैम, जलसीमियम की जो क्लिंगिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ वीकनेस, टॉर्पोर की वजह से वो क्लिंग करता है, जबकि स्ट्रैमोनियम डर की वजह से क्लिंग करता है। उसकी दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस आएगा। लाइट पॉजिटिव में सिर्फ जलसीमियम है, स्ट्रैमोनियम नहीं है वहाँ पे, पॉजिटिव लाइट होना अकेले रेमेडी जलसीमियम को। हाँ जी, अच्छा अच्छा ओके। स्ट्रैमोनियम में जो कैंट सर से मैंने देखा हूँ उसमें अफेक्टेशन में अकेली रेमेडी है
अफेक्टेशन में ही अकेली रेमेडी है. यानी अगर कैंट सर ने लिखा है अफेक्टेशन में स्ट्रमोनियम अकेली, यानी इतना तो होगा उसके अंदर अफेक्टेशन के जो दिख के आएगा उसका वो कोर बन जाता है. सर डिल्यूजन ग्रेट पर्सन और ईगो है ना उसमें, इसीलिए वो अफेक्टेशन है उसका. हाँ अफेक्टेशन में जाएगा लेकिन उसका वो सेंटर बन जाता है ना. जब हम कैंट सर की किताब से चलते हैं हम देखते हैं फियर बिट्रेड में हायोसाइमस आता है तो उसका सेंटर बन जाता है. कई चीजों का सेंटर बन जाता है कोई कोई रेमेडी का. सर थैंक यू सर. वेलकम. एक्चुअली स्ट्रेमोनियम में ग्रोपिंग इन डार्क रहता है तो स्ट्रेमोनियम को लाइट डिजायर चाहिए बट वो ग्रोप करेगा. और आज के सर के केस में भी उसने क्या कहा कि एलोपैथी ले लिया या मुझे नहीं पता वो बाद में मैंने देखा नहीं. मीन्स इतना उनको लाइट डिजायर चाहिए बट पॉजिटिव लाइट चाहिए. और स्टैम का वो ही रहता है कि दे विल ग्रोप, मतलब इतना ग्रोप करेंगे कि उनको वो जब तक उनका कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे. और जेलसेमियम में बस एक पॉजिटिव लाइट मिल जाए ना, बट दैट लाइट मस्ट बी पॉजिटिव. मतलब यहाँ पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है. आप निगेटिव बोलोगे तो इट विल गो इन टू मतलब टॉर्पर या बाकी सब उनका बढ़ जाएगा. बट स्टैम में यही डिफरेंस रहेगा कि ग्रोपिंग ज्यादा रहता है और अफेक्टेशन दिख के आएगा. वेर एज इन जेलसेमियम हमको ग्रोपिंग नहीं दिखेगा, उनको बस लाइट चाहिए. स्टैम की फीलिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे अकेले जंगल, घने अंधेरे जंगल में किसी को अकेला छोड़ दिया हो और उसकी हालत ऐसी हो कि उसको कुछ कोई अंधेरा निगलने वाला हो तो वो जो डर पैदा होगा ना वो डर देखिए. और उसमें वो जो लाइट मांगेगा वो कितनी कैसी लाइट मांगेगा कि अगर कोई मिलेगा तो उसके शोल्डर पे चढ़ जाएगा. अभी इधर जेलसी में हमको देखिए तो उसका दिमाग हिल गया है किसी न्यूज से या किसी भी वजह से और वो अपना बैलेंस बना के रखना चाह रहा है. अगर उसका बैलेंस नहीं बनेगा तो वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, इसलिए डिस्टर्ब वर्जन में जाएगा. तो ये मोटा मोटा एक डीडी सा हुआ सर जी. स्ट्रैम कोई भी लाइट दे दे तो स्ट्रैम उसको क्लीन करेगा. बट जेलसेमियम को पॉजिटिव लाइट की जरूरत रहती है. मतलब एक वो बंदा या एक वो शख्स जो उसको पॉजिटिव लाइट देगा उसको ही क्लीन करेगा जेलसेमियम. थैंक यू मैम. जी मैम. और वो लाइट नेचुरल भी हो तो भी चलेगा. सर एक बात बताना चाहता हूँ, जेलसेमियम और स्ट्रैमोनियम में मेन डिफरेंस, जेलसेमियम को स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्क्रीट सपोर्ट चाहिए, वेरस स्ट्रैमोनियम को तिनके का सहारा, हम बोलते हैं ना जस्ट उसको तिनके का सहारा भी दिए तो, क्योंकि वो नेव है इसलिए वो जल्दी से जल्दी मान जाता है. बढ़िया. एक्सीलेंट सर. एक्सीलेंट. स्टैम तो अगर आप डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो कंपाउंडर को भी दिखा लेगा, कोई असिस्टेंट को भी बता लेगा कि अरे मुझे कुछ तो हो रहा है मुझे चेक करो. इतना स्ट्रैम डरा हुआ रहता है, अफेक्टेशन रहता है और वो उसको बस लाइट चाहिए, फिर वो भले कहीं से भी मिल जाए. जेलसेमियम के बहुत से टाइम ना, हेलो सर, आज का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा. मेरा हर वक्त एक जेलसेमियम से दुरुस्त होने वाला पेशेंट है तो कभी कभी स्ट्रामोनियम के स्टेट में भी जाता है जेलसेमियम. आज मुझे ये ख्याल में आया कि एक हमेशा जिसको जेलसेमियम से फर्क गिरता है हर केस में तो आज वो थोड़ा सा उसको एक बॉयल आ गया था छोटा और उसको शुगर है तो डर गया एकदम से. उसको लगा कि ये कहीं वो तो नहीं डायबिटिक फूड तो नहीं हो रहा है कुछ तो भी, क्योंकि उसके एक रिलेटिव का पैर ऐसे ही काटना पड़ा था तो वो एकदम डर गया. तो आज मैंने उसे स्ट्रामोनियम दिया, जेलसेमियम तो कुछ उसको राहत नहीं मिली लेकिन स्ट्रामोनियम में वो एकदम से एक 10 मिनट में उसको उसका दर्द था वो कम हो गया वो स्ट्रामोनियम से. हालांकि वो जेलसेमियम से हर वक्त दुरुस्त होता रहता है तो उसकी स्टेट भी जेलसेमियम से स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम से जेलसेमियम ऐसे होते रहते हैं. स्ट्रैम ऐसी मेडिसिन है जो कोई भी मेडिसिन स्ट्रैम की कंडीशन में आ सकती है. ऐसा सुना था कि स्ट्रेट मेडिसिन है तो कोई भी मेडिसिन स्ट्रैम बन सकती है. स्ट्रामोनियम का एक फीलिंग ये होता है सर, अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा फेबुलस रहता है सर, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहता है, ग्रेट पर्सन, प्योर, मैं डिलीजन ही इज प्योर, ऐसा करके रहता है जो कि जेलसेमियम में नहीं रहता. स्ट्रैम में कभी कभी स्ट्राइकिंग जब रहता है तो हमको प्लैटिना का भी फील आ जाता है. तो इतना भी अफेक्टेशन में चला जा सकता है स्ट्रैम कि वहां पे वी कैन फील स्ट्राइकिंग जब रहता है तो हमको ऐसे लगता है कि अरे ये कुछ बड़ा है. बेलड होने के बाद यदि सबसे ज्यादा पेशेंट मैंने क्योर किए हैं और कमाया है तो स्ट्रैमोनियम से.
जैसे मान सर बोलते हैं ना 60% हमारे पास बैलेट होना आता है, तो यदि परसेंटेज वाइज लें तो 10-15% स्ट्रेमोनियम भी आता है हमारे पास। कह रहे हैं अशोक सर आप, बिल्कुल सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी बोलिए। अब वो जैसे फील पे अगर मेडिसिन आ रही है और रिपोर्टराइज करके कुछ और आ रही है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मैडम हम लोग तो रिपोर्टरी को प्राथमिकता देते हैं, फील को बहुत कम। अच्छा, क्योंकि वो साइंटिफिक हो जाता है जब आप रिपोर्टराइज करते हैं, तो वो साइंटिफिक हो जाता है। जी सर। लेकिन रूब्रिक सिलेक्शन भी तो ठीक चाहिए ना सर, बहुत से टाइम क्या होता है कि नए लर्नर हो तो रूब्रिक सिलेक्शन बहुत गलत हो जाता है, तो गलत फीलिंग देता है सर, ऐसा ही होता है। यानी रिपोर्टराइजेशन की पोजीशन है, फील परफेक्ट होना चाहिए या फिर रूब्रिक परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी एक चीज बिल्कुल गहराई से आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर आपका ठीक रहेगा। दोनों में से जो भी आपका परफेक्ट है उस हिसाब से करिए। मैडम है हमारे यहाँ वो कन्फर्म फील पे चलती हैं, भाई मेरे से रूब्रिक बनाना नहीं आता। और डॉक्टर योगिनी पिसे मैडम हमारी अभी जो थोड़ा सा बिजी हैं किसी कारणों से ग्रुप पे नहीं आ पा रही हैं, उनकी मटेरिया मेडिका इतनी परफेक्ट थी कि वो केस लेती थी और भाई ये तो ये पेशेंट है, ना रूब्रिक लगाना ना फील, मेरे से कुछ नहीं आता, मेरे से एमएम आती है, ये पेशेंट है और बहुत अच्छा केस ट्रीट कर। तो जहां आपकी डेप्थ अच्छी है, चाहे वो फील हो, चाहे मटेरिया मेडिका हो, चाहे फिर रिपर्टराइजेशन हो, यदि आपकी डेप्थ अच्छी, आपकी पकड़ अच्छी है, तो वहां से आप केस हिट करेंगे। बहुत बढ़िया हो गया जेलसीमियम के साथ स्ट्रेमोनियम का डीडी हो गया जी, और एक शानदार केस। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई जेलसीमियम का सरप्राइज भूलेगा। तो सरप्राइज और एस्टोनिश को बस इसी को डीडी कर दीजिए, वर्ड जो है ना, एस्टोनिश होने में क्या और सरप्राइज होने में क्या रिएक्शन है सर? एस्टोनिश में ये जनरली थोड़ा सा डर रहता है सर, मैं डर गया, एस्टोनिश। सरप्राइज में भी हैप्पी थिंग्स के लिए भी हो सकता है, हैप्पी सरप्राइज हो सकता है, लेकिन एस्टोनिश में डर रहता ही रहता है। एक्सपेक्टेड नहीं था ये ऐसे कैसे मेरे साथ हो गया, ये एस्टोनिश रहता है, ऐसा कैसे हो गया? यस जी सर, यस यस यस, ऐसे कैसे हो गया और डर था, डर रहता है। हाँ, एक फियर उसके चेहरे पे नजर आएगा, वो बोलेगा डर को सर एस्टोनिश में, अरे बाप रे ऐसा, तो ऐसा फील रहता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा कैसा हो गया, तो उसमें डर, हाँ डर, डर तो होना ही है। सरप्राइज में डर नहीं होगा, लेकिन कुछ भी समझो प्लेजेंट होगा अनप्लेजेंट होगा, डर तो नहीं होगा, सरप्राइज तो समझो आश्चर्य, अरे अनएक्सपेक्टेड था तो हो गया, ऐसा ऐसा हो जाता है। जैसे रहता है ना डब्बा खुला, कुछ जैसे अभी आपने इसका बताया ना एस्टोनिश का, अरे बाप रे, ऐसे सर सरप्राइज में क्या वर्ड बोल सकता है, ये भी एक होता तो बाबा, उसने वो वर्ड ही सरप्राइज यूज किया था, मैंने और कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। थैंक यू सर। सरप्राइज में, हाँ सीमा मैम, सरप्राइज में समझो प्लेजेंट सरप्राइज तो अरे वाह वाह ये आएगा, उसमें फीलिंग आ गया वाह, और अरे यार ऐसा आएगा, समझो अनप्लेजेंट सरप्राइज आएगा तो अरे यार ये हो गया, ऐसा आएगा, उसमें बाप रे ऐसे डर डर बताने वाली या डर जताने वाली एक्सप्रेशन नहीं होंगे मैम, ऐसा मुझे लगता है, उसमें डर नहीं रहेगा। मैं बोलूं एस्टोनिश सरप्राइज क्या रहता है, वी एक्सपेक्ट सरप्राइज पार्टीज, वी एक्सपेक्ट सरप्राइज गिफ्ट, हम एस्टोनिश्ड गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, मीन सरप्राइजेस आर एक्सपेक्टेड, कभी भी हो तो वो अच्छा लगता है, बट एस्टोनिश्ड में ये कैसे हो गया, हाउ कैन दिस हैपन, ये एक हो जाता है, मीन्स एस्टोनिश्ड में भी आश्चर्य है और सरप्राइज में भी आश्चर्य है, बट इट इज प्लीजिंग इन सरप्राइज, वेयर इज इन एस्टोनिश्ड, अरे आई वॉज, अभी तक मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ था, ये कैसे हो गया, दिस इज लाइक एस्टोनिश्ड, मीन्स विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, सडनली इट हैपेंस, देन इट इज एस्टोनिश्ड। एक्सलेंट मैम, थैंक यू मैम। सरप्राइज में आपको शायद पता भी होगा ना वो चीज, देखो मीनिंग तो हम डिक्शनरी में जाएंगे तो दोनों में भी आश्चर्य चकित ही दे रहे, बट डिफरेंस इज लाइक दिस की एक्सपेक्टेड रहता है, सरप्राइजेस गिव प्लेजर और सरप्राइजेस गिव हैप्पीनेस, वेयर एज इन एस्टोनिश्ड और इस ये रूब्रिक भी ऐसा है कि अनप्लेजेंट सरप्राइज मीन्स वेर इट इज नॉट प्लीजिंग, so she got that unpleasant surprise, and in astonished it is like I was astonished to see how a good child behaved in this manner, matlab
ये एक अच्छा बच्चा था, ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, या आई वॉज अस्टोनिश्ड मुझे ये बीमारी कैसे हो गई, आई डोंट ईट स्वीट्स, आई डोंट हैव, आई हैव अ प्रॉपर डाइट, आई हैव अ वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट, एंड इवन देन हाउ कैन आई गेट डायबिटीज, हाउ कैन आई पुट ऑन वेट. तो ये जो एक रहता है ना कि ये नहीं चाहिए था तो ये हो गया, ये कैसे हो गया ऐसे. तो एस्टोनिश्ड और सरप्राइज में जनरली आई फील, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और एक, हेलो सर, एस्टोनिश एक्चुअली एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्पोजिशन है, जो मतलब स्ट्रामोनियम में एक फैसेट है कि वो हर चीज से एस्टोनिश होता है. जैसे मैम ने कहा कि हर न्यू चीज उसके लिए एस्टोनिशिंग होती है. हेलो, एस्टोनिश एक एडजेक्टिव है, तो ये एक डिस्पोजिशन, एक फैसेट है जो कि हर वक्त एक पर्सनालिटी में मिलेगा जो स्ट्रामोनियम में है. तो स्ट्रामोनियम हर न्यू चीज से एस्टोनिश ही होता है, ये उसका एक फैसेट है जो कि सरप्राइज में नहीं होगा. और एक बात शेयर करना चाहता हूँ, सरप्राइज में एक्चुअली दिया जाता है, सरप्राइज दिया जाता है, एस्टोनिश अंदर से आती है. एस्टोनिश में देना वगैरह कुछ नहीं रहता है, वो अंदर से ही, इट्स इनर फीलिंग. सरप्राइज दिए बिना नहीं होगा, वेदर इट इज गुड और बैड, बाहर से मिलेगा. और एस्टोनिश आपका खुद का अंदर का है जो आप हुए हो. इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं, एस्टोनिश्ड बेसिकली इज अ एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एन, कोई वो एक सिचुएशन के साथ आपका एस्टोनिशमेंट चला जाएगा, इट इज जस्ट फॉर एन एक एग्जाम्पल के सामने आएगा, एकदम अचंभित हो जाना. वाइल सरप्राइज इज एन इमोशन बेसिकली, either it is happiness or it is good or bad. So surprises ke saath we can stick with our emotions, but astonished is never. Isliye usme remedies bhi bahut kam hai. Ji haan sir, so astonish ka maine jaise sikha hai to ek isme padhaya gaya tha ki jo dil chahta hai movie usme Aamir Khan tok jata hai ki wo jo foreign ki ladki hai achanak se hindi bolti hai. तो ही बिकम एस्टोनिश्ड दैट टाइम कि कैसे क्या ये बोल रही है हिंदी में. तो उसको नहीं पता था कि ये हिंदी बोलती है. तो ये एग्जांपल वहां पे दिया था कि वो लड़की हिंदी में बोलती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो सीन भी देख सकते हैं आपकी, वो एस्टोनिश हो जाता है वापस. और एक केस में ये पढ़ाया बताया था कि एक लेडी रहती है, उनका घर उनको चेंज करने के लिए बोला जाता है कि कुछ कुछ दिनों बाद आपका ये घर आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर आपको आप दूसरी तरफ देख लो तब तक, लेकिन ये आपको छोड़ना है, 1 month वगैरह ऐसा बताया था उन्होंने. लेकिन अचानक से उनको 15 दिन में ही अचानक एक दिन वो मालिक आके बोलता है कि नहीं नहीं आज ही खाली कर दो, शाम तक आप खाली कर दो, ये हमको बहुत जल्दी है, अभी खाली कर दो. तो यहाँ पे सरप्राइज, वो अनप्लेजेंट, वो अन जो भी ये रूब्रिक लग रहा है कि वो ये सरप्राइज हो गया कि उसको पता था कि खाली करना है, लेकिन जो अब भी करना है ये उसके लिए ये हो गया. हाँ, अनप्लेजेंट वो क्या था उसका, अनप्लेजेंट हो गया ना उसके लिए, वो पता था उसको. जैसे अभी मैडम ने बताया ना, सरप्राइज हमें पता है रहता है कि बर्थडे पार्टी में मुझे गिफ्ट मिलने वाले है सरप्राइज, लेकिन वो उसको भी पता था वो चेंज करना है, लेकिन अचानक हो गया क्योंकि 15 दिन में ही खाली करना पड़ा. तो वो आई थिंक आज एस्टेमोनियम, जेलसीमियम, सरप्राइज, एस्टोनाइज, ये सब अपने से नहीं भूलेंगे और इसरो का सरप्राइज भी नहीं भूलेगा और सर का जेलसीमियम का अनप्लेजेंट सरप्राइज भी नहीं भूलेगा. जरूर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल मेंबर्स. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा केस सर. और खुशी होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और जब कोई बताता है कि नहीं सर आपने बताया था, सिखाया था, तो हमने ये किया. तो वो मुंशी प्रेमचंद का है ना कि अपने खेत में जो लहलहाती हुई फसल को देख के जो खुशी होती है, जब अपने सिखाए डॉक्टर्स,
जब बहुत अच्छा कोई केस हिट करते हैं तो सेम वही खुशी होती है जो एक किसान को अपने लहलहाते हुए खेतों को देख के होती है। तो थैंक यू सर हम लोगों को गर्व भरे पल देने का, थैंक यू और आप सबको धन्यवाद। सर होता है ना कि होता नहीं, कहते हैं कि शिष्य ऊपर तो जाता है लेकिन ऊपर तो जाता है लेकिन गुरु के ऊपर नहीं जाता है, नहीं जाता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर हुआ। प्रणाम सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक्स टू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।